तो देख ही सकते हो यहाँ पर है लोकनाथ बाबा का एक पिक्चर, और आज है लोकनाथ बाबा का पूजा, ठीक है। और आज इस पूजा के दिन में ही हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। दोस्तों देख ही सकते हो यार, पकड़ा है वेजिटेबल्स, पकड़ा है, और उस गमले पे है चावल, ठीक है, उस गमले पर है चावल। दोस्तों देख ही सकते हो, ये बच्ची जो आप देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन में, ये मेरी मौसी का बेटी है, जिसकी उम्र अभी फिलहाल के लिए 2 साल है, ठीक है। अपने पापा को लेकर घूमने जा रहे हैं, और साथ में मेरी है बहन, ठीक है। तो चलिए इसकी सामने जाके दिखाते है। दोस्तों देख ही सकते हो यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है, 4 फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं। हाय एवरीबॉडी, तो दोस्तों गुड आफ्टरनून आप सबको। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, और मेरी बहन का नहाना कंप्लीट भी हो गया, और मैं अभी नहाने जा रहा हूँ। देख ही सकते हो यार, नहाने जा रहा हूँ, और इस ब्लॉग को मैं ये 12 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। फिलहाल के लिए देखो कि वो मेरी बहन क्या करिए, ये क्या करी हो, दे के साथ गणेश मेरे हाथ में है, गणपति पापा, इसका मतलब है कि गणपति पापा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। पता नहीं कि यार क्या आज किस टॉपिक पर, पता नहीं, तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देख ही सकते हो, ये बच्ची जो आप देख रहे हो इस वक्त स्क्रीन में, ये मेरी मौसी का बेटी है, जिसकी उम्र अभी फिलहाल के लिए 2 साल है, ठीक है। अपने पापा को लेकर घूमने जा रहे हैं, और साथ में मेरी है बहन, ठीक है। तो चलिए इसकी सामने जाके दिखाते हैं, देख सकते हो आ रही है, मौक से खेल रही है। दीदी के बिना दिन नहीं गुजरता इसका। ए क्या कर रही हो यहाँ पर? ए क्या कर रही हो, इधर देख, इधर देख, क्या कर रही हो? ऑडियंस देख रहे हैं तुझे, हाय बोल दे इसको, मॉक हाय बोल दे। ए मॉक से क्या करेगी, इसको नहाना चाहिए थी, नहाना चाहिए इसको, तो नहाना तो हो गया। नहीं 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 नहीं, ये भी ना मेरे मम्मी का भी बेटी है, जिसकी उम्र 2 साल है, बच्ची है, बच्ची है। अपने पापा के पास जा रही है, देख ही सकते हो। ए बुजी साइड में, देख ही सकते हो कितनी प्यारी सी है, चल रहा है, खेल रहा है। इस छोटे का नाना गंभीर हो गया, इस छोटे का भी नाना गंभीर हो गया। दोस्तों देख ही सकते हो यार, ये मॉर्निंग वॉक कर रही है या फिर इधर से उधर, उधर से इधर। अरे कहाँ पर जा रहे हैं, जंगल में? तो दोस्तों चलिए, मेरा भी नाना लेट हो रहा है, ठीक है, तो चलिए बाद में मिलेंगे। दोस्तों देख ही सकते हो यार, मैं अभी नहाने के लिए आया था, क्या बात है। किनी यहाँ पर है, लेकिन नहाने जब मैं आया था तो दोस्तों देख ही सकते हो यार, यह है हुलो। यह है हुलो और मिनी, हुलो और मिनी आराम से खाना खा रही है। बैड मैनर्स हुलो, यहाँ पर भी खाना खा रही है, पूरा खाना अकेला मिनी ही साफ कर देगी आज।
आप देख ही सकते हो। और देख ही सकते हो दोस्तों यार, ये फिर कीनी इस साइड है, वहाँ पर फूलो है और वहाँ पे बहुत सारे मुर्गीज है। कितना बढ़िया दृश्य है। दोस्तों देख ही सकते हो है, ये है हुलो कैट। हुलो था वाइट कैट। इतना पास से मैं कभी थी इससे को रिकॉर्डिंग मैंने नहीं किया था। ए हुलो दोस्तों देख सकते हो, अभी उसका मन हुआ कि या चले तो वो चल रहा है हुलो। हुलो द व्हाइट कैट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर देख सकते हो यार, मैं नहा रहा के आ चुका हूँ। और चलिए देखते हैं भाई, आज हमारे घर पे एक स्पेशल शायद दोपहर का खाना होने वाला है, लंच कहते हैं ठीक है, वो होने वाला है। और चलिए देखते हैं कि वो क्या है, क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं। दोस्तों देख ही सकते हो यार, पकड़ा है वेजिटेबल्स, पकड़ा है और उस गमले पे है चावल ठीक है, उस गमले पर है चावल। चावल को थोड़ा सा फोकस करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो आज होने वाला है हमारा फ्राइड राइस। और मेरी मौसी इसे पकाने वाली है, पकाने वाली है वेजिटेबल्स और चावल को पकाने वाली है, चिकन को पकाने नहीं वाली है, ये ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, तो चलिए दोस्तों जब ये कम्प्लीटली हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखने में कैसा है, कैसा बना है, कैसा टेस्ट है, सब कुछ। तो चलिए चलते हैं। तो देख ही सकते हो यहाँ पर है लोकनाथ बाबा का एक पिक्चर, और आज है लोकनाथ बाबा का पूजा ठीक है, और आज इस पूजा के दिन में ही हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। देख ही सकते हो यार, लोकनाथ बाबा का पूजा है आज। तो दोस्तों देख ही सकते हो, तो चलिए बाद में मिलते हैं। A few moments later, दोस्तों देख ही सकते हो यार, तैयार हो चुका है फ्राइड राइस और ये दोपहर का खाना है। अभी अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये ऐसा दिख रहा है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों तो चलिए मेरे साथ। तो देख ही सकते हो दोपहर का टाइम हो चुका है और हमारा खाना भी तैयार हो चुका है और मैं अभी खाने बैठ रहा हूँ, और चलिए देखते हैं कि वो खाना क्या। दोस्तों देख ही सकते हो यहाँ पर है फ्राइड राइस और आलू का दम है, बंगाली में आलू दम बोलते हैं इसे ठीक है। तो चलिए हम इसे खाते हैं, तो आपसे बाद में मिलेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज हमारे घर पे फ्राइड राइस बना है, तो चलिए दोस्तों खाते हैं और बाद में मिलेंगे। खाना पीना सब कुछ कम्प्लीटली हो चुका है और मैं अभी बाहर की तरफ मैं जा रहा था। तो चलिए भाई मेरे साथ, खाना पीना तो कम्प्लीटली हो ही चुका है और मैं जा रहा हूँ अभी बाहर की तरफ, तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों देख ही सकते हो यार बाहर की तरफ, अभी दोपहर के बाद हो रहा है ठीक है वक्त, और व्यूज बहुत ही अच्छा हो रहा है ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर एक 360 का शॉट, मतलब कि 360 डिग्री का एक शॉट लेने वाला हूँ। देख ही सकते हो ये है 360 डिग्री का एक शॉट जो कि पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। देख ही सकते हो एक 360 डिग्री का शॉट पूरा इस तरह से राउंड घुमाकर हो रहा है। दोस्तों देख ही सकते हो यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है, चार फैमिली मेंबर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर है
मेरी छोटी मासी और पापा है मेरी सेजो मासी, ठीक है, और ठीक है, और जो उसके गोद में है वो उसकी बेटी है 2 साल का। मैंने वीडियो शूट कर दिया है, आप लोगों ने वीडियो में देखा है उसे, ठीक है। और बीच में जो बेटी है मेरी बहन, आप सबको पता ही होगा। तो आप लोग क्या कहना चाहते हैं बादशाह? बोलो हाय, कैसे हो आप सब? अच्छी हो? हम लोग भी अच्छी है। कुछ कहो, कुछ कहो। हाय, और क्या? मैं अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? तुम लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, सब लोग ही बढ़िया है। मेरे ऑडियंस हमेशा बिंदास रहते हैं। कमेंट में बताना कि आप लोग बिंदास हो या फिर क्या हो, कमेंट में बताना। कहना है जो आप लोग सब सही सही लाइक करना, शेयर करना, सुबह सहा के पास में रहना, साइड में रहना, खड़ा रहना, हाँ एक ही रहना, बस इतनी से बात करते हैं। मतलब कि लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं तो ये बोलने तो आई लाइक शेयर करो। ओ देख ही सकते यार, वो छोटा उस्ताद बहुत उछल रहा है। मेरा तो इससे तो कभी नहीं, ठीक है। दादी को तो देखो, दादी तो बैठी हुई है। दादी नहीं, वो बहन नानी, देख ही सकते हो यार, ये है मेरी नानी, यहाँ पर बैठी हुई है और हमारा शूट देख रही है, ठीक है। और मेरा दद्दू वहाँ पर सोया हुआ है, ठीक है। तो दद्दू जब सो के उठेगा तो मैं कोशिश करूँगी आज शायद एक वीडियो में डाल दूं दद्दू के ऊपर, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, देख ही सकते हो ये मेरा दद्दू ग्रैंडफादर। अच्छा दद्दू कुछ बोलो, बंगाली में ही बोलो। तुम्हारा सब भलो आछो, तुम्हारा सब खुशी शांति थेको, আমার তোমার সবাই আশীর্বাদ রইল। তোমরা জানি তোমাদের কামনা করি ঈশ্বর ওপর তোমাদের সবাইকে যেন ভালো রাখো। জোরসে বলো, হ্যাঁ ঈশ্বর প্রভু তোমাদের সবাইকে যেন ভালো রাখুক। আমার শুভ কামনা, সবার মাথায় হাত দিয়ে বলছি সবাই জানি ভালো থাকো। ওকে দোস্ত, কমেন্ট বতানা, কমেন্ট মে বতানা কি মেরা দদ্দু আপকো লোগো কো কেসা লাগা। तो देख ही सकते हो यार, मैंने मेरा ग्रैंडफादर का आप लोगों के वीडियो दिखाया तो वो हिंदी नहीं बोल पाए, तो मैं हिंदी में एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ठीक है। तो बंगाली में उन्होंने कहा कि आप ईश्वर आप सबका भला करे, मंगल करे और आप सब स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। ये मेरे दद्दू ने बंगाली में बताया, जो कि मैंने आप लोगों को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके मैंने बता दिया। तो कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हाँ बोलो। हाय फ्रेंड्स, तुम लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। देखो कितना सामान खरीदा है, ये देखो बॉक्स, ये जे दांत ब्रश का, टूथब्रश स्टैंड, और ये धूपकाठी लगाने वाला स्टैंड, फूलदानी है, एक प्लांट प्लैंग बकेट है जिसे हम टॉप बोलते हैं, शायद टॉप बंगाली में टॉप बोलते हैं, और ये है एक क्लिप, मतलब कि आप इसे शायद कपड़ों में लगाते हैं, सॉरी कपड़ों में लगाते हैं, जब हम इसे कपड़ों को धोकर जब हम टांगते हैं तब हम इसे लगाते हैं। अरे है मॉक, और ये धूपकाठी रखने वाला स्टैंड एक, अरे फूलों का झुरी है, फूल का बकेट, ये बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए बाद में मिलेंगे। तो दोस्तों देख ही सकते हो यार, तो मैंने आपका सारा जो कि व्लॉग होता है आज का दिन, मैंने जो व्लॉग बनाया मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो कमेंट में बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो लोकनाथ बाबा स्पेशल व्लॉग में मैं ऐसे कहूँगा, क्योंकि मैंने लोकनाथ बाबा का दिन में मैंने किया था इस ब्लॉग को, तो मैं इसे लोकनाथ बाबा स्पेशल ब्लॉग में कहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इस ब्लॉग को देखकर कैसा लगा कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग पे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।